बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। सारा की फोटोज और वीडियोस मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। इन दिनों सारा अली खान कार्तिक आर्यन के साथ अपनी आने वाली फिल्म लव आजकल के प्रमोशन में बिजी है। हाल ही में सारा अली खान ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में सारा अपने पुराने गोलू मोलू लुक में नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, हाजिर है सारा का सारा सारा, जो पहले था उसको हल्का बना लीजिए, जो यह पहले थे उससे भी हल्का बना लीजिए। आपको बता दें, फिल्मों में आने से पहले सारा काफ़ी मोटी हुआ करती थी। उनका वज़न 96 किलो तक था, लेकिन सारा ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले खुद को फैट से पूरी तरीके से फिट कर लिया। इसके लिए सारा ने 4 महीने तक खूब मेहनत की और सही डाइट लेने से अपना 46 किलो वज़न घटाने में कामयाब रही। सारा अली खान का कहना है कि वज़न घटाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ बैलेंस्ड डाइट ली बल्कि फास्ट फूड खाना भी एकदम बंद कर दिया। खुद को फिट रखने के लिए वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन से भरपूर चीज़ों का ही सेवन करती है और आज भी जिम में रोज़ाना वर्कआउट करती है। सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनके मोटापे का एक कारण PCOD रहा। PCOD पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो हार्मोन में बैलेंस बिगड़ने के कारण होता है। साथ ही वह खाने पीने की भी शौकीन थी, इससे उनका वज़न बढ़ता गया। सारा ने वर्कआउट के साथ ही कथक और योगा से भी काफ़ी हद तक अपने मोटापे पर काबू पाया। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम भी वह नियमित रूप से करती है। इसके साथ ही सारा ने वेट लॉस प्लान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी शामिल किया। वो अक्सर टेनिस खेलते नजर आती है। सारा अली खान आज अपनी फिटनेस की वजह से जानी जाती है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो सारा जल्द ही फिल्म लव आजकल में नजर आने वाली है। इस फिल्म में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म में कार्तिक और सारा के अलावा रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। तब तक के लिए और भी ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गजब खबरें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।